हमारा ब्रह्मांड अनेकों रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए है, जिनमें से कुछ रहस्य की जानकारी वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त कर ली गई है। परंतु अब भी न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिनसे अभी तक पर्दा उठाना बाकी है। आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिक कड़ी मेहनत करके चांद और विभिन्न ग्रहों पर खोज कर रहे हैं, किंतु अंतरिक्ष में न जाने और कितने रहस्य हैं जिनकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। आज हम आपको ब्रह्मांड के 25 ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनकी जानकारी केवल 1% लोगों को ही होगी। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ है, जो चीजें दिखाई देती हैं और जो चीजें नहीं दिखाई देती वे सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। ऊर्जा और सूक्ष्म तत्वों से मिलकर यह ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड आकार में इतना बड़ा है कि आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। इस ब्रह्मांड के अंदर अनेकों रहस्य हैं, जिनमें से कुछ रहस्यों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। क्वांटम फिजिक्स, आपका देखना इस दुनिया को प्रभावित करता है। ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्य है, यह कोई विषय नहीं है। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर रोबोट के द्वारा इसका परीक्षण किया। इसके जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले थे। आपका देखना इस दुनिया को प्रभावित करता है, इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी देख रहे हो, सोच रहे हो या सुन रहे हो, वो सब कुछ अहमियत रखता है। जैसे एक नाकामयाब व्यक्ति दिन भर बैठकर यही सोचता है कि मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ और भगवान से शिकायत करता रहता है। इसके विपरीत जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानता है वह दूसरा नाकामयाब व्यक्ति अमीर बनने के सपने देखता है और कामयाब होने की कोशिश करता है। यह बात सच भी हो जाती है। यह सब गतिविधि ब्रह्मांड करता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। वैज्ञानिकों के अनुसार जो मन सपने देखता है वह अवचेतन मन है। गहरी नींद में भी यह मन जागृत रहता है। अवचेतन मन के पास ही 90% शक्ति होती है। इसी के द्वारा हमारे शरीर में श्वास प्रवाह, दिल की धड़कन और बाकी आवश्यक कार्य, किसी चीज को याद रखने की क्षमता और भी कई जरूरी कार्य संभव है। अवचेतन मन 24 घंटे दिन रात काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। दुनिया के सबसे कामयाब आदमी इसी सिद्धांत का पालन करके कामयाबी हासिल की है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चमत्कार है, इसे कोई अंधविश्वास नहीं कह सकता। उदाहरण के लिए, जैसे आपको जीवन में सबसे ज्यादा जिस वस्तु की चाहत है, घर, गाड़ी, आप उस वस्तु की फोटो निकालकर अपने सामने आप जहां सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हो लगा दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे जिस तारीख को उस पेपर पर लिखा होगा उस तारीख से पहले आपको वह वस्तु मिल जाएगी। और यदि नहीं मिली तो ब्रह्मांड कोई ना कोई ऐसी तरकीब आपको बता देगा जिससे कुछ सालों में ही वह वस्तु आपके पास आ जाएगी। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का नियम। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड का हिंदी में अर्थ कृतज्ञता यानी आभार प्रकट करना है। हमारे जीवन में जो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीजें हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है और जो जीवन को सरल बनाती है, इन चीजों के बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हुए हम उस शक्ति यानी भगवान के प्रति कृतज्ञ होते हैं। आभार प्रकट करने की इस प्रक्रिया को लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड कहते हैं। वेक अप अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त जागरण।
ब्रह्म का मतलब होता है परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त का अर्थ होता है समय। रात्रि के अंतिम पहर यानी कि सुबह के 4 बजे से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ईश्वर की भक्ति के लिए यह समय श्रेष्ठ माना गया है। इस समय उठने वाले मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र रहता है। सुबह उठने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की समस्या का आगमन नहीं होता। उसके जीवन में भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है। स्लीपिंग अर्ली एट नाइट, रात्रि के समय जल्दी सोना। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रात्रि 9 बजे के बाद के समय को निशाचर काल बताया गया है। यदि आप रात्रि के 9 बजे के बाद जागते हैं तो इसमें आपको बहुत नुकसान होगा। आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, जिसके कारण आपको बीमारी होगी, समय पर काम नहीं होगा। यदि आप इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, खुशी और स्वास्थ्य आपके जीवन से चली जाएगी। मेडिटेशन, ध्यान से प्राप्त अद्भुत शक्ति। प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में हजारों विचार आते हैं, जिनमें से कुछ ही विचार हमारे लिए उपयोगी होते हैं। उसके अतिरिक्त सारे विचार किसी काम के नहीं होते। यदि आप इन बिना काम के विचारों को रोकना चाहते हैं तो आपको ध्यान करना होगा, जिससे आपका मन स्थिर रहेगा और जो आप सोचेंगे सिर्फ वही आपके मस्तिष्क में आएगा, बाकी कुछ नहीं। योगा, योग से शरीर का नव निर्माण। योग साधना से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, दिन भर ताजगी का अनुभव होता है। शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिए योग जरूरी है। पैशन, जुनून को बनाए अपना पेशा। पैशन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। यही कारण है कि लगभग 80-90% लोग वह काम करते हैं जो उनको कभी पसंद ही नहीं होता, परंतु अपने परिवार और कुछ समस्याओं के कारण वे लोग अपने पैशन को भुलाकर दूसरा काम करने लगते हैं, जिससे लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। अवेकन 7 चक्रा, 7 चक्रों को जागृत करें। यह ब्रह्मांड के रहस्यों में सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। यदि आपने इस रहस्य को समझ लिया तो आप एक ऐसी शक्ति हासिल कर लेंगे जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ब्रह्मांड के इस रहस्य को नाम दिया गया है 7 चक्र, जो हमारे शरीर का अंग है। जो भी मनुष्य इन 7 चक्रों को जागृत करता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। चैंटिंग महामंत्रा, महामंत्र का जाप करना। जब आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हो, तब आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं। उससे आपको दिव्य शक्तियां और प्रसन्नता मिलेगी। बड़े बड़े साधु संत महामंत्र का जाप करते हैं, जिस कारण किसी भी मुसीबत के समय भगवान स्वयं उनकी मदद के लिए किसी ना किसी रूप में आते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन, धन का सही ढंग से उपयोग करने का ज्ञान। पैसा सब लोग कमाते हैं, परंतु इसकी बचत कैसे करनी है, कहां पर इसका निवेश करना है, यह सब ज्ञान वित्तीय शिक्षा देती है, जिसकी जानकारी से आप पैसे का उचित ढंग से उपयोग कर सकते हैं। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, निरंतरता की शक्ति। एक ही कार्य को आप अगर प्रतिदिन कई महीने कई साल तक करेंगे तो आप उस कार्य में निपुण हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को बाइक चलानी सीखनी है तो वह व्यक्ति प्रतिदिन उसका अभ्यास करेगा और एक दिन बाइक चलानी भी सीख जाएगा। निरंतरता की शक्ति के 2 पहलू हैं, एक सकारात्मक जैसा हमने उदाहरण में बताया,
और एक नकारात्मक, जैसे गलत लोगों की संगत में रहकर दिन भर समय व्यतीत करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, उससे आप खुद का नुकसान करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करेंगे। पावर ऑफ गुड हैबिट, अच्छी आदतों की शक्ति। हम जो कार्य प्रतिदिन करते हैं उसे हमारा दिमाग सेव कर लेता है, ताकि प्रतिदिन उस कार्य को करने के लिए हमें सोचना ना पड़े। आदतों को दो भागों में बांटा गया है, अच्छी आदत और बुरी आदत। अच्छी आदत आपके जीवन को सफल बनाती है और बुरी आदतें आपके जीवन को नरक बना देती हैं। पावर ऑफ रीडिंग बुक्स फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, व्यक्तिगत सुधार के लिए पुस्तकें पढ़ना। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई तरीकों के बारे में सोचते हैं, और ऐसे आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जो प्रतिदिन कुछ अच्छा करना चाहते हैं जिससे कि वे आने वाले कल को बेहतर बना सकें। इसके लिए सबसे उपयोगी है सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना। इस समय यह तकनीक बहुत ही कारगर साबित हो रही है और लाखों लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। इन किताबों को पढ़ने से आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी। इन किताबों को पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहे हैं। जब भी आपका मन किसी कार्य को नहीं करने को कहेगा, उसी समय आपको इन पुस्तकों में लिखी हुई किसी लेखक की बात याद आएगी और आप उस कार्य को करने लगेंगे। पावर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की शक्ति। आज के समय में हमें किसी भी देश में घटित घटनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है, चाहे वह घटना अच्छी हो या बुरी। यह सब संभव हुआ है इंटरनेट के द्वारा। आज जहां इंटरनेट का उपयोग करके लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, वहीं इसका दुरुपयोग करके कुछ लोग चोरी, हत्या जैसे कार्य भी कर रहे हैं। इसलिए इंटरनेट का हमेशा सदुपयोग ही करना चाहिए। पावर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की शक्ति। आयुर्वेद 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो हमारी आधुनिक जीवन शैली को सही दिशा देने और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आदतें विकसित करने में सहायक है। इसमें प्राकृतिक चीजों से बनी दवा और प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाले पदार्थों से बनाई जाती है। इन प्राकृतिक वस्तुओं के उपयोग से सुखी, तनाव मुक्त और रोग मुक्त जीवन बनता है। ऐसी बीमारी जिसका इस आधुनिक दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वह हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति में संभव है। पावर ऑफ गोल्स एंड ड्रीम्स, लक्ष्य और सपनों की शक्ति। इस दुनिया में जो भी कार्य शुरू किया जाता है, वह सबसे पहले मनुष्य के मस्तिष्क में आता है। उसके बाद उस कार्य को करने की तकनीक बनाई जाती है। उसके बाद कार्य पूर्ण किया जाता है। यही कार्य हम अपने सपनों के साथ भी करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और अपने हर सपने को पूरा करना चाहता है, पर ऐसा तभी कर सकता है जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक एक योजना बनाएं और उसी के अनुरूप कार्य भी करें। तभी हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, या यूं कहें कि पूरा कर सकते हैं। पावर ऑफ राइट एनीथिंग ऑन नोटबुक, पेपर पर कुछ भी लिखने की शक्ति। पेपर पर अपनी इच्छाओं को लिखना ब्रह्मांड का एक अद्भुत रहस्य है। यदि आप अपनी इच्छाओं और सपनों को पेपर में लिखते हैं, हो सकता है समय लगे, परंतु आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि जब भी आप उस पेपर को देखेंगे तो आपको आपकी वे सभी इच्छाएं याद आएंगी और आप उसको पूरा करने के लिए दिन रात कोशिश करेंगे। पावर ऑफ नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन, ज्ञान प्राप्त करके उसे अपने जीवन में उपयोग करना। मनुष्य को यदि सही ज्ञान हो तो वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा ज्ञान ही
हमारे लिए सब कुछ है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके कोई भी मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है और उससे भी बड़ी शक्ति है उस सीखे हुए ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना। पावर ऑफ सेल्फ टॉक, खुद से बात करने की शक्ति। पावर ऑफ सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना, अपने दिल की आवाज सुनना और अपने अवचेतन मन की आवाज सुनना। क्योंकि हमारे शरीर में मौजूद ये दोनों ही तत्व ब्रह्मांड से जुड़े हुए सबसे शक्तिशाली तत्व हैं। अवचेतन मन की आवाज सुनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको ईश्वर की आवाज माना जाता है। इसलिए इसकी आवाज सुनने के लिए हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। थर्ड आई एक्टिवेशन, तीसरी आंख को जागृत करना। आप सब भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में तो जानते होंगे। यदि आपको पता चले कि आपके पास भी तीसरा नेत्र है जो बंद है, तो आप उसे खोलने का प्रयास जरूर करेंगे। तीसरे नेत्र चक्र के ज्ञान को ध्यान के माध्यम से खोला जा सकता है। मनुष्य की तीसरी आंख तब काम करती है जब उसका मन शांत और चित स्थिर रहता है। आधुनिक और मनोवैज्ञानिक शोध कहते हैं कि दोनों बोहों के मध्य एक ग्रंथि है जो शरीर का एक रहस्यमयी अंग है। इस ग्रंथि को पीनियल ग्रंथि कहते हैं। इसे ही वैज्ञानिक तीसरी आंख कहते हैं। मॉर्निंग एफर्मेशन, सुबह की पुष्टि सुबह उठते ही। जब आप स्वयं के बारे में कुछ ऐसे शब्द सुनते या कहते हैं जिसके कारण आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, उसे मॉर्निंग एफर्मेशन कहते हैं। जैसे आप बहुत अच्छे हैं, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं आज बहुत खुश हूं इत्यादि। पावर ऑफ विजुलाइजेशन, दृश्य ध्यान करने की शक्ति। दृश्य ध्यान, विजुलाइजेशन, प्रत्यक्षीकरण, मानसिक दर्शन सब एक ही है। इसका अर्थ होता है कि अपने दिमाग में किसी भी वस्तु या व्यक्ति की कल्पना करना। आप किसी के प्रति अपने मन में एक छवि बना लेते हैं, वही दृश्य ध्यान है। वेगन डाइट, शाकाहारी बनकर अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। ऐसे लोग जो जानवरों के शरीर से निकलने वाले किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करते, शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी लोग सिर्फ पेड़ पर लगे फल मेवे, खेत का अनाज इत्यादि खाते हैं। जो लोग डेयरी के उत्पादों का उपयोग करते हैं, उन्हें भी शाकाहारी कह सकते हैं, क्योंकि वह मांस नहीं खाते। शाकाहारी बनकर और योग साधना के द्वारा आप आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब तो आप सब ब्रह्मांड के उन रहस्यों के बारे में जान ही गए होंगे, जिन रहस्यों को अपने जीवन में अपनाकर आप भी जीवन का आनंद ले सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।